हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप में से ही एक व्यूअर के कमेंट थे जिनका नाम है अजीत। उन्होंने ये बोला है कि समीर भाई, मैं दुबई में जाके जॉब करना चाहता हूँ, तो जॉब करने के लिए कितना खर्च होगा? तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में अजीत के लिए रिप्लाई के लिए वीडियो बनाए। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि दुबई में अगर आप जॉब सर्च करने जा रहे हो तो आपको कितना खर्च होगा और क्या आपको करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ करनी है कि अगर आप दुबई में जॉब करने जा रहे हो तो आपको, जब खर्च की बात होती है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दूसरे लोगों के जैसे। और मैं ये जानता हूँ कि मेरी ये जानकारी जानने के बाद आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करो। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब करो और लाइक बटन भी दबाओ। तो दोस्तों, दुबई जाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए वीज़ा। वीज़ा आपको, अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो आपको 3 महीने की वीज़ा ले लेनी है। 3 महीने की वीज़ा आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट 15,000 रुपये की। मैं ये एजेंट के कुछ चार्जेस मिला के 15,000 बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न टिकट आपको मिलेगी कुछ 22,000 रुपये की। तो 22 और 15 हो गए आपके 37। बाकी आप अपने घर से एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट से जो है वो होटल पे या कहीं रहने के लिए जाना, उसका 3,000 पकड़ लो, मतलब 40,000 रुपये हो गए टिकट और वीज़ा का। अब इसके बाद में दुबई में ना आपको शेयरिंग में रूम्स मिलते हैं, बेड मिलते हैं, बेड जो 500 दिरहम से 1,000 दिरहम के बीच है, डिपेंडिंग कि आपको कौन से एरिया में चाहिए और कितना अच्छा फैसिलिटी वाला चाहिए, ठीक है। हो सकता है 500 दिरहम मैंने कम बोल दिया है, अभी हो सकता है 600-700 दिरहम तक भी मिले। तो हम मीडियम पकड़ के चले तो 700 दिरहम होते तकरीबन 15,000 रुपये महीने के, उसमें आपको बेड मिल रहा है, ओके, रूम नहीं मिल रहा है। तो आपको 3 महीना वहाँ पे सर्वाइव करना है, तो पर महीने का कॉस्ट पकड़ लेते कितना होगा। तो दोस्तों, आपको जो है वो 700 दिरहम आप दे रहे हो बेड का। फिर आप खाना जो खाओगे तो उसमें टिफ़िन सर्विस रहती है। सुबह में तो आप चाय बिस्किट खा के अपना गुजारा कर सकते हो, और शाम के लिए टिफ़िन और रात के लिए टिफ़िन अगर आप बनवाते हो तो उसका आप पकड़ लो कम से कम 600 दिरहम, कम से कम, ठीक है। तो आपको उसे सस्ते में भी मिल सकता है, लेकिन अभी वो कम क्वांटिटी होगा और कैसा होगा क्वालिटी वो एक बात अलग है। आपको रास्ते पे भी क्या बोलते हैं, 10 रुपये की आपको रास्ते पे मुंबई में 5 रुपये की रोटी भी मिलती है और होटल में 50 रुपये की भी मिलती है, तो दोनों में फ़र्क है। अब तो मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ, बेर मिनिमम, तो 700 दिरहम आपका हो गया रहने का, 600 दिरहम हो गया खाने का। फिर आप जॉब ढूंढने के लिए जाओगे तो आप कोशिश करके मेट्रो का आप जो है वो पास निकालोगे, मेट्रो से जाओगे, कभी कभार टैक्सी में भी जाना पड़ सकता है। और उसका ट्रैवलिंग का मैं पकड़ लेता हूँ 600 दिरहम, कम से कम पकड़ रहा हूँ मैं, बेयर मिनिमम, ओके। उसके बाद में आप वहाँ पर रहोगे तो कुछ तो आपके और भी खर्च होंगे, तो उसका मैं पकड़ लेता हूँ 500 दिरहम। तो अप्रॉक्सीमेटली, अगेन मैंने जो काउंट नहीं किया है वो है वहाँ पे सिम कार्ड का एक्सपेंस, इंटरनेट का एक्सपेंस। और कई ऐसे रूम होते हैं जहाँ पर आपको वाईफाई मिल जाता है, लेकिन अगर मैं वो नहीं भी काउंट करूँ तो 300-350 दिरहम आप पकड़ लो आपका मोबाइल का रिचार्ज का। तो अगर आप बेयर मिनिमम भी जी रहे हो विद ट्रैवलिंग, विद फूड, विद हाउस, तो 2200 से 2500 दिरहम पर मंथ का, तो वो 2000 दिरहम होते हैं 44,000, 2000 दिरहम होते हैं। तो 2200 दिरहम 44,000 से भी ज़्यादा होते हैं। तो 3 महीने अगर आप जा रहे हो तो आपके पास कम से कम 1,30,000 रुपये होने चाहिए। अगेन, अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपको पहले महीने ही जॉब लग गई तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर आपका और ज़्यादा खर्च नहीं होगा। और इसके अलावा ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वहाँ पे जाने के बाद में आपको आपकी सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट करवाना पड़ता है। तो दुबई में आप अटेस्ट कराओगे तो आपको 30-40 हज़ार रुपये खर्चा होगा, और आप इंडिया से ही वो अटेस्ट करवा के जाओगे तो आपको कम खर्च होगा। तो वो अटेस्ट करवा के जाना है पहले से ही मंत्रालय से, दुबई कॉन्सलेट से, और आपको यूनिवर्सिटी से एक वेरिफिकेशन लेटर लेना है कि ये उन्होंने चेक किया है कि आपकी सर्टिफिकेट
असली है, वो लोग स्टैम्प मार के देते, तो वो बहुत आसानी से मिल जाता है, जाओ तो वो उसका भी कुछ थोड़ा बहुत खर्च होता है। साथ में आपको डेफिनेटली अच्छे कपड़े यहाँ से सिलवा के लेके जाने, वहाँ पे कपड़े महंगे मिलेंगे आपको। आप कहीं जॉब करने जा रहे हो तो आपको डिसेंट होके जाना है, कपड़े एंड जूते वो सब आपको अपने लेके जाने रहने करने का। तो ओवरऑल कंक्लूजन में ये है कि अगर आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पहले महीने में ही नौकरी मिल गई, तो आपका 42,000 का इन्वेस्टमेंट होगा एक महीना जीने का। लेकिन एक और समस्या है, पहले महीने नौकरी मिल गई तो पगार तो इमीडिएट नहीं मिलेगी, तो दो महीने तो रहना पड़ेगा आपको बिना सैलरी के। आप फर्स्ट टाइम ज्वाइंट करके तो नहीं बोल सकते कि मुझे सैलरी एडवांस दे दो, तो आपको जो है वो फिर 80,000 के करीब आपके पास होने चाहिए, मतलब 4,000 दिरहम। और आपका टिकट और वीज़ा का आपको अप्रॉक्सीमेटली 2,000 दिरहम लग रहा है, मतलब 6,000 दिरहम, मतलब इंडियन आप पकड़ के चलिए 6 × 2 = 120, मतलब 1,30,000 रुपये के करीब आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको लग रहा है मैंने कोई चीज़ गलत बताई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के करेक्ट कर सकते हैं मुझे। और आप अगर दुबई जाना चाहते हो तो सोच समझ के जाइए, अपनी पढ़ाई की सारी डिग्रियों को अटेस्ट करवा के जाइए, और ये भी कंपेयर करना ना भूलिएगा कि आपको दुबई में क्या सैलरी मिल सकती है और इंडिया में कितनी मिल रही है या मिल सकती है, ये भी कंपेयर कीजिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दुबई में बहुत सारे लोग जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है, अब उनको जॉब नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत बड़ा है। आपको वहाँ पे कंपटीशन सिर्फ इंडियन लोगों से नहीं है, आपको है फिलिपिनो से, पाकिस्तानी से। अब ऐसा है कि दुबई का एक दिरहम इंडिया के 22 रुपये के करीब है, लेकिन पाकिस्तान के 50 रुपये। तो ज़रा हिसाब लगाओ, एक होटल में एक जॉब है, एक रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब है 1,000 दिरहम का, ठीक है। तो एक हिंदुस्तानी क्या सोचेगा कि भैया 1,000 दिरहम है इतना, मतलब अब होटल वाले हो सकता है उसको खाना रहना भी दे रहे हो सकता है, तो उसको समझो 1,000 दिरहम पूरे बच गए, तो वो इंडिया में कितना भेजेगा? 22,000 रुपये, बराबर। लेकिन पाकिस्तानी 50,000 भेजेगा, तो पाकिस्तानी तैयार हो जाएगा 800 दिरहम में काम करने, क्योंकि उसको 800 दिरहम भी मिल रहे तो वो उसके घर पे 40,000 भेज रहे, समझ रहे हो आप। और सिमिलरली बांग्लादेशी एंड नेपाली, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि वो करेंसी का रेट में फ्लक्चुएशन है। और दूसरी बात ऐसी है, अब बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे चप्पल घसते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि आप आओ, आपका इंटरव्यू दो, आपका CV दो, फिर बोलेंगे 200 दिरहम दो तो हम आपको जॉब देंगे, 100 दिरहम दो, 200 दिरहम दो, मतलब 2,000-3,000। तो उनकी इनकम ही इस चीज़ पे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको बकरा बनाओ। अगर एक एक आदमी से 100-100 दिरहम भी लिया, रोज़ के हज़ारों लोग जाते, रोज़ के अगर 10 लोग भी आ गए तो 1,000 दिरहम का उनका बिजनेस हो गया। तो ऐसे फ्रॉड एजेंट्स के पीछे मत पड़ना। नौकरी ढूंढना है तो bayat.com एक है, और नौकरी गल्फ है, उस पर आपको जॉब मिल सकती है। तो उस हिसाब से आप देखिए, और एक देश बदल के जाना और जॉब वहाँ पे ढूंढना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, तो सोच समझ के आप जाइए। बेस्ट ऑफ लक, और मैं बोलूँगा नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपके मन में है कि करना है तो आप कर सकते हो। और एक और चीज़, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बता दिया है, तो प्लीज़ मुझे कॉल करके मत पूछना कि मुझे दुबई जॉब के लिए जाना है तो मैं क्या करूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट लिख सकते हो, कॉल मत करना। बाय बाय।